दूसरा मैलअब्सॉर्प्टिव प्रोसीजर जो है वह मिनी गैस्ट्रिक बाईपास कहलाता है। इस प्रोसीजर में स्टमक को एक लंबी और पतली ट्यूब में कन्वर्ट कर दिया जाता है स्टेपलर के द्वारा, और इस ट्यूब को फिर स्मॉल इंटेस्टाइन के एक लूप से जोड़ दिया जाता है 150 से 200 सेंटीमीटर के बाद। यह प्रोसीजर बिल्कुल गैस्ट्रिक बाईपास की तरह ही काम करता है, पर इसका यह फ़ायदा है कि यह ऑपरेशन ज़्यादा सरल होता है और इसको करने में भी कम टाइम लगता है, और इसके लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस भी रू एंड वाई गैस्ट्रिक बाईपास से कुछ कम देखे गए हैं। मिनी गैस्ट्रिक बाईपास भी आज की डेट में भारत और कई सारे एशिया के देशों में बहुत पॉपुलर हो गया है, क्योंकि इसमें खाने पीने की कैपेसिटी क्लासिकल गैस्ट्रिक बाईपास के मुकाबले थोड़ी ज़्यादा रहती है। इसका मतलब यह है कि पेशेंट थोड़ा खाना खा भी पाते हैं, लेकिन उनके शरीर पे यह पूरा खाना नहीं लगता, और इसकी वजह से उनका पूरा एब्जॉर्प्शन नहीं होता फूड का, तो वेट लॉस बरकरार रहता है। इन दोनों ही ऑपरेशंस के बाद मेल एब्जॉर्प्शन या विटामिन डेफिशिएंसी के चांसेस होते हैं। इसी वजह से हमें पेशेंट्स को प्रोटीन और मल्टीविटामिन सप्लीमेंट्स देने की ज़रूरत पड़ती है, और यह सप्लीमेंट्स लगभग 6 महीने से 1 साल तक कंटिन्यू रहते हैं, जिसके बाद हर पेशेंट के तमाम बॉडी के टेस्ट के अनुसार ये बताया जाता है कि उन्हें आगे सप्लीमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी या नहीं।